हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं गोविंदा राव फ्रॉम एसआईपी, और इस वीडियो में हम आप आज का क्वेश्चन रूल करेंगे जो डिफरेंशिएशन में आएगा। इससे लास्ट वीडियो में हमने प्रोडक्ट रूल किया था, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन रूल करते हैं। देखिए क्वेश्चन रूल क्या होता है, जब भी हमें डिफरेंशिएशन करना होता है और दो वेरिएबल फंक्शन हमारे डिवाइड में होते हैं तो हम क्वेश्चन रूल लगाते हैं, ठीक है ना। इस रूल को समझते, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट बाई सेकेंड इज इक्वल टू होता है हमारा, सेकेंड को सिंपल छोड़ देंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट का माइनस फर्स्ट को छोड़ देंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे हम सेकेंड का और डिवाइड में सेकेंड का होल स्क्वायर, ठीक है। ये बेसिक सा आपका रूल आएगा। इसका एक कोई एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 5 अपॉन में x की पावर 4 प्लस का रूट एक्स। अगर आपको ये सॉल्व करना है तो इसका डेरिवेटिव हम लोग कैसे करेंगे, देखो डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, ये आपका हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन। जब आप इसमें ये रूल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे सेकंड फंक्शन हमारा सेम रहेगा, ठीक है ना। सेकंड फंक्शन हमारा सेम रहेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा फर्स्ट, फर्स्ट मतलब साइन एक्स प्लस का 5 और माइनस का साइन एक्स प्लस का 5 हमारा सेकेंड आपका फर्स्ट फंक्शन ऐसा ही। उसके बाद फिर डेरिवेटिव किसका होगा, सेकेंड का। सेकेंड हमारे पास क्या आएगा, x की पावर 4 प्लस का रूट एक्स और होल अपॉन में x की पावर 4 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इतनी बात समझ आ रही है, रूल में अप्लाई करना, आपने फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया, सेकंड का डेरिवेटिव किया, ठीक है ना, सॉरी सेकंड फंक्शन को छोड़ दिया, फर्स्ट का डेरिवेटिव किया माइनस फिर फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड का डेरिवेटिव किया अपॉन में सेकंड का स्क्वायर कर दिया। अब आपको यहाँ पे डिफरेंशिएशन इसका करना है, एक तो इस फंक्शन का और एक इस फंक्शन का, मतलब जिसके साथ डी बाई डी एक्स लिखा हुआ है आपको उसका डेरिवेटिव करना है, ठीक है। देखो करते हैं, यहाँ पे एक्स की पावर 4 प्लस का रूट एक्स, सिंपल ऐसे ही। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, और प्लस 5 कॉन्स्टेंट का क्या होगा, 0, माइनस का साइन एक्स प्लस का 5, ऐसा क्या सही। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर 4 क्या होगा, एक्स की पावर 4 होगा आपका 4x की पावर 3 प्लस का रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन में 2 रूट एक्स और x का डेरिवेटिव 1, ठीक है। और डिवाइड में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की पावर 4 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर, ये आपका कंप्लीट सॉल्व हो गया क्वेश्चन रूल से, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आ गई। तो एक और एग्जांपल समझ लेते हैं इसी टॉपिक का। देखिए क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस का टेन एक्स अपॉन में साइन एक्स माइनस का टेन एक्स, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, डिवाइड बाय डीएक्स आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए जब आप इसमें डेरिवेटिव करेंगे तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन, ठीक है। और अप्लाई करेंगे तो आएगा डीवाई बाय डीएक्स इज इक्वल टू क्या होता है हमारा सेकंड फंक्शन ऐसे ही, मतलब साइन एक्स माइनस टेन एक्स आपका ऐसा का ऐसा ही, इसे छोड़ देंगे। इनटू में डीवाई डीएक्स अब क्या आएगा, फर्स्ट, फर्स्ट मतलब कि साइन एक्स प्लस का टेन एक्स, ठीक है। माइनस का फर्स्ट मतलब साइन एक्स प्लस का टेन एक्स, फंक्शन हमारा ऐसा ही। और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस टेन एक्स, साइन एक्स माइनस का टेन एक्स। और डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड में क्या आएगा आपका साइन एक्स माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर, मतलब सेकंड फंक्शन का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे बात समझ में, अब आपको यहाँ पे डेरिवेटिव किसका करना है, तो साइन एक्स प्लस टेन एक्स का यहाँ पे और साइन एक्स माइनस टेन एक्स का यहाँ पे, बाकी सबको हम लोग बिल्कुल सेम लिखेंगे। तो देखिए साइन एक्स माइनस टेन एक्स, ठीक है, यहाँ पे साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स प्लस टेन एक्स का क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स, माइनस का यहाँ पे साइन एक्स प्लस का टेन एक्स, ऐसा ही। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा आपका, कॉस एक्स माइनस का टेन एक्स का क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स, और होल अपॉन में साइन एक्स माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन रूल।